नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड से अयोध्या भ्रमण के लिए गई 70 श्रद्धालुओं से भरी बस जलकर खाक। झारखंड के दुमका जिले के विभिन्न प्रखंडों से 70 तीर्थयात्रियों को लेकर अयोध्या व काशी विश्वनाथ दर्शन पर निकली बस में शुक्रवार के अहले सुबह करीब 3 बजे वाराणसी जिले के बौलिया महेशपुर के समीप आग लग गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय सभी यात्री सो रहे थे, ड्राइवर भी आग लगने से बेखबर था। बस अयोध्या से वाराणसी आ रही थी, तभी रास्ते में चलती बस से धुआं उठता देख गश्ती पर निकले यूपी पुलिस के जवानों ने पीछा कर बस को रुकवाया। इसके बाद खिड़की के शीशे को तोड़कर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। यात्रियों के बाहर निकलने के कुछ ही मिनट बाद बस आग के गोले की तरह धू धू कर जल कर खाक हो गई। इस बस पर जरमुंडी प्रखंड के बरगो गाँव के 12 यात्री शामिल थे। सरकार का स्कूली बच्चों की सेहत पर ध्यान, 631 करोड़ होंगे खर्च। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों की सेहत पर जोर दिया है। नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूली शिक्षा विभाग बच्चों के पोषण पर 631.64 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसमें मिड डे मील भी शामिल है। वहीं बच्चों को फल और अंडा भी दिए जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के SC ST OBC और अल्पसंख्यक बच्चों को पोशाक भी दिया जाएगा, जिसमें 30 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। स्कूली बच्चों के स्कूल किट के लिए भी 72.33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं मुफ्त में किताब देने के लिए 35.82 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बता दें, ज्ञानोदय योजना के तहत 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और स्कूलों के अपग्रेडेशन पर 10 करोड़ रुपए और MDM के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान पर भी जोर दिया है। इसके तहत 1022 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 24-25 में खर्च किए जाएंगे। झामुमो की न्याय उलगुलान महारैली 21 को प्रभात तारा मैदान में। आम आदमी पार्टी की राह पर अब झामुमो ने भी चलने का मन बनाया है। जिस प्रकार से दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने रैली आयोजित की थी, उसी तरह देर से ही सही मगर झामुमो ने भी महारैली की घोषणा की है। झामुमो ने आगामी 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में न्याय उलगुलान महारैली का आयोजन किया है। इस महारैली में इंडिया गठबंधन दल के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास कांके रोड में हुई झामुमो सांसद और विधायकों की बैठक में लिया गया। वहीं झामुमो इस रैली के माध्यम से झारखंड में इंडिया गठबंधन, झारखंड में लोकसभा चुनाव के अपने संयुक्त अभियान का आधिकारिक आगाज करेगा। बता दें, रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रस्तावित न्याय उलगुलान रैली में कल्पना सोरेन पर भी निगाहें होंगी कि वे इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं की आगवानी किस प्रकार करती हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो का निधन। झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो के निधन पर शुक्रवार को विधानसभा परिसर में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के लालपुर स्थित अमरावती अपार्टमेंट में उनका पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा परिसर लाया गया था। इससे पहले मंत्री बेबी देवी ने शोकाकुल परिवार से रांची के लालपुर स्थित अपार्टमेंट में मुलाकात कर ढांढस बढ़ाया और निधन पर शोक जताया। उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ गोल्ला पेटरवार होते हुए बोकारो के बेरमो पहुंचेगा। झारखंड के 11 जिलों में लू चलेगी, 7 से 9 अप्रैल तक वर्षा। झारखंड के कम 11 जिलों में 7 अप्रैल को लू चलने की आशंका है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि लू से बचने के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने झारखंड के मौसम की जानकारी देते हुए कहा है कि संताल परगना के सभी जिलों में 7 अप्रैल को लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा 4 और जिले हैं जहां लू चलने की संभावना है। वहीं अभिषेक आनंद के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, धनबाद, बोकारो, जामतला, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, दुमका और गोड्डा जिले में 6 अप्रैल तक लू चलेगी। इसके बाद 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश भी होगी। खूंटी से PLFI के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। खूंटी जिले की पुलिस ने 3 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। तीनों उग्रवादी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। इन्हें मुरहू थाना क्षेत्र के गुल्लू साप्ताहिक बाजार से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में बालो महरा टोली निवासी शंकर गोप, घाघरा बन्नो टोली निवासी अजीत और भोरसू निवासी सुनील नायक शामिल हैं। ये सभी उग्रवादी PLFI के एरिया कमांडर लंबू उर्फ रांडुंग बोदरा उर्फ टीरा बोदरा के सदस्य हैं।
एसडीपीओ वरुण रजक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के सदस्य लेवी का पैसा वसूलने के लिए गुल्लू साप्ताहिक बाजार आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। हेमंत सोरेन पहुंचे हाईकोर्ट, ईडी की शिकायत को निरस्त कराने की याचिका दाखिल। ईडी के समन की अवहेलना करने के आरोप में रांची के सीजीएम के मिश्रा की अदालत से जारी समन को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल कर ईडी के शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि हेमंत सोरेन ईडी के जिस समन पर नहीं पहुंचे थे उनका उन्होंने जवाब दे दिया था, इसके बाद वह समन समाप्त हो गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और उनका पालन भी किया था। ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार बार समन जारी किया था। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के रांची जोन के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने रांची के सीजीएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की है। पुलिस जांच पर भरोसा नहीं, ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल की याचिका। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी एसटी के मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। उक्त याचिका ईडी के अधिकारियों की ओर से दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस मामले की जाँच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा सहित चार अन्य के खिलाफ एससी एसटी का मामला दर्ज कराया है। झारखंड के खलील 92 की उम्र में पहली बार करेंगे वोटिंग। साहेबगंज के मांडो निवासी 92 वर्षीय खलील अंसारी पहली बार मतदान करेंगे। अभी तक मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं होने के कारण वे मतदान नहीं कर पाते थे। इस बार उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा, इससे वह मतदान भी कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसे लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शुक्रवार को साहेबगंज के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के औचक निरीक्षण के क्रम में वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं से मुलाकात कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने बड़खोरी गांव के वरिष्ठ एवं दिव्यांग 92 वर्षीय खलील अंसारी से मिलकर मतदाता सूची में उनका नाम होने की जानकारी ली। नर्सों की लापरवाही से प्रसव के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव के दौरान नर्सों की लापरवाही से एक नवजात का सिर धड़ से अलग हो गया। बड़ी मुश्किल से एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग प्रसूता की जान बच पाई। बता दें, घटना मंगलवार सुबह 2 मार्च की है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पहुंचने पर प्रसूता दारू थाना क्षेत्र के दारू बासोबार निवासी महिला निशा कुमारी पति अंशु कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। स्वजनों ने बताया कि प्रसूता को मंगलवार सुबह 4 बजे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले गए थे। जांच के बाद नर्सों ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कही और उसे प्रसव के लिए ले गए। सीता सोरेन ने परिवार के खिलाफ खोला मोर्चा। झामुमो से भाजपा में शामिल होने के बाद बतौर लोकसभा प्रत्याशी गुरुवार को पहली बार दुमका पहुंची सीता सोरेन ने झामुमो पर सीधा प्रहार करते हुए कहा है कि झामुमो में अब कोई भविष्य नहीं है, झामुमो के कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं। सीता ने कहा है कि झामुमो के मंत्री और नेता सब दलाल हो गए हैं, जेब गर्म करने में लगे हैं, इन्हें झारखंड के विकास से कोई मतलब ही नहीं। झारखंड सरकार पूरी तरह फेल्योर है, राज्य में भ्रष्टाचार हावी है, जमीन की लूट मची है, खनिज व कोयला की तस्करी कर झारखंड को खोखला किया जा रहा है। 24 साल में अब तक समग्र विकास नहीं हो सका। सीता ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुई है। उन्होंने कहा है कि मोदी के विचारों से ही समग्र विकास संभव है, भाजपा में नारी शक्ति का सम्मान है। आदिवासियों के धर्मांतरण पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों सरकारों से पूछा है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की गई है। इस मामले में पूर्व में भी अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। इस संबंध में सोमा उराव ने जनहित याचिका दाखिल की है। बता दें, प्रार्थी के अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने अदालत को बताया कि झारखंड में आदिवासियों का तेजी से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्मांतरण का कारण पता लगाने के लिए सरकार को एक जांच कमेटी का गठन करना चाहिए।
जमीन घोटाले को छिपाने की कोशिश, रिकॉर्ड रूम में चोरी। बीजेपी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि झारखंड में जो जमीन लूट के बड़े बड़े कारनामे हुए हैं उनको बचाने का काम अभी भी जारी है। ईडी की चार्जशीट के तुरंत बाद रिकॉर्ड रूम से हुई चोरी जमीन घोटाले को छुपाने की बड़ी साजिश है। प्रतुल ने कहा है कि रिकॉर्ड रूम की अलमारी से जमीन के कई प्रपत्र ताले तोड़कर चुरा लिए गए, इस पर भरोसा नहीं होता। इस परिसर में पुलिस कर्मियों की हमेशा तैनाती रहती है और जैसे जैसे जमीन लूट की परत खुलती जा रही है एक के बाद एक सफ़ेद पोश बेनकाब होते जा रहे हैं। प्रतुल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह अविलंब इस मुद्दे पर सीबीआई जांच का आदेश दे, वरना उनकी पूरी सरकार शक के दायरे में आ जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा कहती थी कि हेमंत सोरेन का उक्त जमीन से कोई लेना देना नहीं, चार्जशीट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह उनकी ही बेनामी संपत्ति है। गिरिडीह के भंडारों में जमीन मापी करने पहुंचे पुलिस पर हमला, तीन घायल। गिरिडीह जिले के झारखंड धाम स्थित हीरोडीह थाना क्षेत्र के भंडारों गांव में न्यायालय के आदेशानुसार जमीन की मापी करने गए अधिकारियों व पुलिस टीम पर प्रतिवादियों ने हमला कर दिया। टीम में शामिल अधिकारियों व पुलिस के साथ मारपीट व गाली गलौज की गई। इस संबंध में घायल अधिवक्ता अमर कुमार ने हीरोडीह थाना में शिकायत की है। उन्होंने गांव के ही 9 लोगों को नामजद किया है और 10 से 15 अज्ञात को भी आरोपित किया गया है। आवेदन मिलते ही हीरोडी पुलिस की टीम गठित कर संबंधित पदाधिकारी के साथ मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मंदिरों में चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र में मंदिरों में चोरी करने के दो आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। दो आरोपियों के अलावा एक उस शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो चोरी करने वालों के चोरी के सामान खरीदता था। पुलिस ने बताया है कि लोहरदगा थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर का ताला काटकर अज्ञात अपराध कर्मियों ने चोरी की थी। चोर मंदिर में रखे गोदरेज से पीतल का परात, थाली, चांदी का मुकुट, पीतल की घंटी एवं 13,500 रुपये दान पेटी से ले उड़े थे। पुलिस ने बताया है कि वीर शिवाजी चौक के समीप सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे एवं बर्तन की चोरी करने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पलामू से 50 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ मनोज यादव गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले में उत्पाद विभाग ने शुक्रवार को कार्रवाई की है। इस दौरान छापेमारी के क्रम में एक घर से करीब 50 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की गई और आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया। छतरपुर फोरलेन सड़क के किनारे चौखड़ा गाँव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 1,000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब करीब 50 लाख से अधिक मूल्य की बताई जा रही है। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर घर में छापेमारी की, इस दौरान उसे सफलता मिली। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज यादव लंबे समय से शराब के अवैध कारोबार में सक्रिय था। बोकारो स्टील प्लांट में जूनियर ऑफिसर परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। झारखंड के बोकारो में जूनियर ऑफिसर परीक्षा के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 अप्रैल 2024 तक बीएसएल के 1200 व सेल के 15,000 कर्मचारी अधिकारी बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेल प्रबंधन ने पिछले दिनों इस बाबत सर्कुलर जारी किया था। बता दें बोकारो जिले के बीएसएल समेत सेल के वैसे कर्मचारी जो अधिकारी बनने की पात्रता रखते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। गढ़वा और धनबाद से 40 लाख कैश बरामद। गढ़वा जिले के झारखंड यूपी सीमा स्थित बिलासपुर चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 5 लाख रुपये बरामद किए गए। इन्हें हफ्ते भर में वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है, नहीं कराने की स्थिति में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इधर धनबाद के मैथन क्षेत्र में झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर शुक्रवार को एक कार से 34,74,000 रुपये कैश बरामद किए गए। इस दौरान कार सवार 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तेजी से वाहनों की जाँच की जा रही है। रांची एयरपोर्ट में यात्रियों को लाइन लगने से मिलेगी मुक्ति। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा ऐप के माध्यम से यात्रियों को पेपरलेस हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए टर्मिनल बिल्डिंग में मशीन को इंस्टॉल किया गया है, अब चेहरा ही बॉडी पास होगा। एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्या ने बताया है कि देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर यह सुविधा यात्रियों को मिल रही है, इसमें दिल्ली, बनारस, बेंगलुरु आदि शामिल है। उन्होंने कहा है कि यह सेवा चेहरा पहचान प्रणाली यानी FRS पर आधारित है। डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड करने से एयरपोर्ट एंट्री में यात्रियों के समय की बचत होगी। इस सुविधा का उद्देश्य यात्रियों को संपर्क रहित सुविधाएं मुहैया कराना है।
रांची के लैंड रिकॉर्ड रूम में चोरी। रांची में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कचहरी चौक समाहरणालय स्थित अभिलेखागार में घुसकर चोरों ने जमीन से संबंधित कई दस्तावेज की चोरी कर ली है। इस वारदात को चोरों ने बुधवार की देर रात अंजाम दिया है। दस्तावेज से छेड़छाड़ की बात भी सामने आई है। हालांकि अब तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि दस्तावेज की चोरी हुई है या नहीं। बता दें, गुरुवार को कोतवाली पुलिस और रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज ने जांच की। फिलहाल सभी दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। किडनी गिरोह का भंडाफोड़, मांडर का मुर्तजा अंसारी निकला सरगना। बांग्लादेशी नागरिकों को गुरुग्राम लाकर जयपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले गिरोह का गुरुवार को भंडाफोड़ हुआ है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने गुरुग्राम के एक होटल में छापेमारी कर किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके मरीज डोनर समेत 9 लोगों को पकड़ा है। बता दें, पुलिस के अनुसार सरगना रांची के मांडर के करगे गाँव का मोहम्मद मुर्तजा अंसारी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गुरुग्राम के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर पवन चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने सदर थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। डॉक्टर चौधरी ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरुग्राम सेक्टर 39 के होटल से किडनी ट्रांसप्लांट कराने का रैकेट चल रहा है। गांडे से कल्पना सोरेन करेंगी राजनीतिक सफर की शुरुआत। कल्पना सोरेन गांडे से झामुमो की प्रत्याशी होंगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई झामुमो की बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगी है। बैठक में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर झामुमो ने महारैली करने का निर्णय लिया है। आगामी 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में न्याय उलगुलान महारैली का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस महारैली में इंडिया गठबंधन दल के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बता दें, झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाया जाएगा। सीता सोरेन ने कहा, अब झामुमो में गुरु जी की नहीं चलती। गुरु जी की बड़ी बहू और भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने एक बार फिर अपने परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने ससुर शिबू सोरेन को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि झामुमो में अब शिबू सोरेन की नहीं चलती। झामुमो में कुछ ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो मेरे ससुर मुझे पार्टी से निकलने ही नहीं देते। सीता सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि श्री शिबू सोरेन जी की अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं चलती है। अगर झामुमो में उनका सब कुछ ठीक ठाक रहता तो वे मुझे पार्टी से निकलने ही नहीं देते। इधर सीता सोरेन शुक्रवार को जामताड़ा पहुंची, जहां उन्होंने जामताड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही उनके स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच के लिए टीम का गठन किया जाएगा। बाबूलाल ने कहा, ईडी की चार्जशीट पढ़ ले, हेमंत के जेल जाने का कारण मिल जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर बड़ा जुमानी हमला किया है। शुक्रवार को मेदिनीनगर पलामू में पार्टी द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि ईडी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार का दस्तावेज है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी भाजपा पर उनके पति को परेशान करने का आरोप लगा रही है। कल्पना सोरेन केवल ईडी द्वारा प्रस्तुत 191 पृष्ठ की चार्जशीट को पढ़ ले, उन्हें हेमंत सोरेन के जेल जाने का कारण पता चल जाएगा। मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने राज्य को चौतरफा लूटा है। बालू, पत्थर, कोयला, लोहा, जमीन सब लूटा, नाम बदल बदल कर लूटा। यही नहीं रुके, बल्कि युवाओं की नौकरी भी लूट ली है। पलामू में गेहूं की खेत में लगी भीषण आग। पलामू के पांडू प्रखंड क्षेत्र के बसडीहा गांव में शुक्रवार को करीब 20 एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के बाद पांडू प्रखंड के सीओ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि पांडू प्रखंड के बसडीहा में गेहूं की खेत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक खेतों में लगी किसानों की गेहूं का फसल जलकर खाक हो गया। इस फसल में आग लगने से किसानों के साल भर के भोजन की व्यवस्था एवं किसानों की मेहनत आग में स्वाहा हो गया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक अवश्य दें।